Hello students, good morning all of you. So today I am going to start a new chapter of class 8 mathematics, chapter number 6, square and a square root. Student, बहुत ही अच्छा chapter है, बहुत ही useful chapter है, और I think आप लोग जब से भी maths पढ़ रहे हो तब से आप ये chapter को तो कहीं ना कहीं तो देख कर आ रहे हो. आप लोगों ने बेसिक वे में इसको देखा होगा, पर जैसे जैसे आप लोग आगे क्लास में जा रहे हो वहाँ पे ये आपको बहुत ही बेनिफिशियल होगा. अगर आपको मैथमेटिक्स को बहुत ही इजी वे में करना हो, बहुत ही फास्ट वे में करना हो, तो वहाँ पे आपको ये चैप्टर बहुत ही काम में आने वाला है. ओके, तो चलिए मैं वन बाय वन करके स्टार्ट करता हूँ. एक्सरसाइज 6.1 के अंदर हम लोग फर्स्ट नंबर का सम देखने जा रहे हैं. फर्स्ट नंबर के सम में आपको ऐसा दिया हुआ, यू हैव टू फाइंड द यूनिट डिजिट. आपको यूनिट डिजिट क्या करना है, फाइंड आउट करना है. तो फर्स्ट वाले सम के अंदर आपको नंबर दिया हुआ है 81. तो देखिए, मैंने क्या जो स्टेटमेंट लिखी है ना, वो स्टेटमेंट आपको यूज़ करनी होगी. द नंबर 81 कंटेन वन एट अ यूनिट प्लेस. यूनिट प्लेस यानी क्या, जो लास्ट डिजिट होता है उसको बोलते हैं बेटा यूनिट प्लेस. तो 81 में यूनिट प्लेस पे कौन सा नंबर है, वन है. और वन का स्क्वायर करने पे आंसर अगेन क्या आता है, वन ही आता है. सो उसका यूनिट डिजिट क्या हो गया, वन हो गया. क्लियर हो रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? ओके, चलिए. इसी तरह आपको जो सेकेंड नंबर दिया हुआ है वो क्या है, 272 है. तो यूनिट डिजिट पे कौन है, टू है. टू का स्क्वायर करने पे आंसर क्या आएगा, फोर. सो फोर क्या हो जाएगा, उसका यूनिट डिजिट हो जाएगा. इसी तरह थर्ड नंबर के सम के अंदर आपको क्या दिया हुआ है, नाइन. अब नाइन का स्क्वायर करने पे क्या आता है, 81. तो 81 में पीछे कौन आ रहा है, वन. तो उसका जो क्या बोलते हैं हम लोग, यूनिट डिजिट होगा वो क्या होगा, वन होगा. क्लियर हो रहा है मैं आपको क्या बोल रहा हूँ? इसी तरह आपको दिया हुआ है थ्री. तो थ्री का क्या होता है, स्क्वायर नाइन. और नाइन सिंगल डिजिट है तो उसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, नाइन ही हो जाएगा. फोर का क्या होगा, 16. तो 16 में कौन आएगा, पीछे सिक्स आएगा. तो इस तरह से मैंने आपको हर एक के क्या करे हुए यूनिट डिजिट के नंबर लिख दिए हैं. पर आपको जो मैंने यहाँ पे डायरेक्टली नंबर लिखे, पर आपको स्टेटमेंट इस तरह से लिखने के बाद ही आंसर इस तरह से लिखना होगा. क्लियर हो रहा है स्टूडेंट्स? चलिए मैं बढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर टू पे. क्वेश्चन नंबर टू में आपको ऐसा बता रहा है कि इनमें से कौन सा नंबर ऐसा है जो परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है. आपको बहुत सारे नंबर दिए हैं और आपको बोलना है कि उनमें कौन सा नंबर ऐसा है जो परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है. तो परफेक्ट स्क्वायर के लिए आपको मैं बता दूं कि हमेशा याद रखना है आपको कि कौन कौन से यूनिट डिजिट नंबर होते हैं. तो 1, 4, 5, 6 एंड 9 यही खाली यूनिट डिजिट नंबर है, बाकी एक भी नंबर यूनिट डिजिट नहीं है. क्यों? क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 वो तो है ही, 2 का स्क्वायर 4, 5 का फिर 3 का स्क्वायर हम लोग 9 देखते हैं, 4 का स्क्वायर 16 यानी उसमें 6 आता है, और 5 के स्क्वायर में 25 यानी 5 आता है. तो यही पांच नंबर यूनिट डिजिट पे होंगे. यानी जिस नंबर के अंदर ये पांच नंबर लास्ट में दिखाई दें वो परफेक्ट स्क्वायर होंगे, और अगर ना दिखाई दे तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे. ओके, जैसे फर्स्ट वाला हिस्सा में बेटा, फर्स्ट के अंदर आपको दिया हुआ है 1057. अब 1057 क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा. क्यों नहीं होगा, देखो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है 105 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर बिकॉज इट्स यूनिट डिजिट कंटेन 7. क्योंकि इसके यूनिट डिजिट पे क्या आ रहा है, 7 आ रहा है. सो वो होगा नहीं. जबकि देखिए आपको सेकंड में दिया हुआ है किस तरह से 2, 3, 4, 5, 3, उसमें 3 आ रहा है. तो होगा परफेक्ट स्क्वायर क्या, नहीं होगा, नहीं होगा. उसमें भी क्या आ रहा है, 3 आ रहा है. यानी जिस नंबर में मुझे यूनिट डिजिट पे 1, 4, 5, 6, 9 दिखाई देंगे ना, वही क्या होंगे, परफेक्ट स्क्वायर होंगे, बाकी एक भी नहीं होंगे. ओके, चलता हूं मैं क्वेश्चन नंबर 3 पे. हमको क्या करना है, कौन कौन से नंबर ऐसे हैं जिनके स्क्वायर ऑड नंबर में हैं. तो पहला दिया हुआ है 431. तो 431 तो मालूम ही पड़ रहा है डायरेक्ट देखने से ही कि वो तो कौन सा नंबर है, ऑड नंबर है. क्योंकि ऑड नंबर जो डिवाइड बाय 2 नहीं होता है, तो 431 उसको तो हम लोग 2 से डिवाइड कर ही नहीं सकते हैं. उसके यूनिट डिजिट पे 1 है, तो 1 तो कभी डिवाइड होगा ही नहीं ना 2 से. सो इट विल बी एन ऑड नंबर. जबकि सेकंड वाले में क्या दिया हुआ है आपको नंबर 2826. तो स्क्वायर क्या आता है 6 का, 36. सो इट विल नॉट बी एन ऑड नंबर. ये ऑड नंबर नहीं है. क्यों? क्योंकि 36 तो कौन सा नंबर हो जाता है, इवन नंबर हो जाता है. क्लियर है? अगेन थर्ड के अंदर देख लीजिए क्या दिया हुआ है आपको, 7779. तो 9 का स्क्वायर करोगे 81, वो वापस ऑड नंबर आएगा. और फोर्थ में आपको दिया हुआ है 4. 4 का स्क्वायर क्या आता है, 16. तो 16 तो क्या आ जाएगा, इवन नंबर. तो ये भी ऑड नंबर होगा नहीं. ओके, चलता हूँ बेटा क्वेश्चन नंबर 4 में. बहुत ही अच्छा दिया है क्वेश्चन नंबर 4 में भी आपको. 11 का स्क्वायर मालूम है आपको 120 बनाता है. 101 का स्क्वायर 10201 दिया हुआ है. तो आपको क्या करना है, ब्लैंक फिल करनी है. पर इसके लिए भी मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ. आपको देखो यहाँ तो उन्होंने दिया हुआ है ये नंबर. क्लियर है? आपको कौन सा खाली फाइंड आउट करना है, थर्ड और फोर्थ वाली फाइंड आउट करना है. देखिए यहाँ पे 20 थे ना, तो मैंने क्या करा, 100 बीच में 2 रखने का, उसके बाद 00 रख देने के, और लास्ट में 1. यहाँ पे कितने 40 है ना, तो 1 के बाद 40, फिर 2, फिर वापस 40. यहाँ पे कितना 60 है, तो 1 के बाद 60, फिर 2 और बाद में 60. आंसर खत्म हो गया. यानी कभी भी किसी भी ऐसे नंबर का अगर आपको स्क्वायर निकालना है, अब मैं माना कि 1 के पीछे 9 लगाता हूँ, 90, तो 1, 90, 2, 90, 1 ये आंसर हो जाएगा.
क्लियर हो गया आपको ये भी मैंने क्या बोल दिया पक्का। चलते इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर भी आपको दिया हुआ है। अब क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर जो मुझे फाइंड आउट करना है वो मैंने फाइंड आउट करा हुआ है यहाँ पे 101011 का होल स्क्वायर निकालना। तो कैसे निकाल देने का, यहाँ पे आपको देखिए 1 2 3 4 1 कितने दिखाई दे रहे हैं, 4 दिखाई दे रहे हैं। तो क्या कर देने का आपको 10 20 30 40, अब वापस को रिवर्स में 30 20 और 10, यानी 10 यानी आप पीछे अगर आपको जीरो रखना तो रखो, नहीं रखोगे तो भी वो जीरो काउंट हो ही जाएगा। ओके, और इसी तरह यहाँ पे देखिए कितना है, कितने 1 है 1 2 3 4 5, यानी ये कहाँ तक जाएगा, 5 तक जाएगा। सो 102 के बाद 0, 3 के बाद 0, 4 के बाद 0, 5 के बाद 0। अगर यहाँ पे 6 टाइम अगर 1 दिए होते तो मैं क्या रखता, 1 2 3 4 5 और 6, तो भी आता। क्लियर हो गया मैंने आपको किस तरह बोला, पक्का ये भी इजी है बहुत ही। चलता हूँ बेटा आगे, फिर मैं चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर भी आपको कुछ ब्लैंक फिलअप करनी है, और क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर आपको जो दिया है ना उसमें आपको इस तरह से भी बोल रहे हैं, जैसे कि देखिए 5 का स्क्वायर और थर्ड में 30 का स्क्वायर दिया है, तो किससे मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो आ जाएगा 5 6 30 हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने 6 का स्क्वायर रख दिया इक्वल टू, यहाँ पे 31 कैसे आया वो भी मैं आपको बता दूँ। देखिए ऊपर कितने का गैप दिख रहा है, 3 का स्क्वायर, और 3 और 7 के बीच में कितने का डिफरेंस हुआ, 4 का, 7 और 13 के बीच में कितने का डिफरेंस हुआ, 6 का, 13 और 21 के बीच में कितना हुआ, 8 का, यानी दो दो के डिजिट बढ़ रहे हैं, 21 और 31 के बीच में कितना हुआ, 10 का, सो 31, और अब उसके अंदर 12 ऐड करो तो कितना आ जाएगा, 43, सो 43 का स्क्वायर रख दिया मैंने, सिंपल हो गया यहाँ पे। और यहाँ पे भी जो मुझे ब्लैंक फिलअप करनी है 6 7 42 का स्क्वायर, तो भी मैं कर सकता हूँ। क्लियर हो रहा है बेटा आपको मैं क्या बोल रहा हूँ ये भी, पक्का। चलिए इसी तरह हम लोग देख लेते हैं सम नंबर 7। सम नंबर 7 में आपको दिया हुआ है प्लस करना है, पर प्लस किस तरह करना है आपको, डायरेक्टली हम लोग जैसे करते थे ऐसे नहीं, 1 + 5 = 6 हो गया, इस तरह नहीं करना है, हमको क्या करना है उनके स्क्वायर का टोटल करके बताना है। तो यहाँ पे कितने नंबर दिख रहे हैं आपको, 1 + 3 + 5 + 7 + 9, 5 नंबर है, तो ये 5 और 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, तो इनका टोटल भी 25 आएगा। दूसरे आइटम देखो आपको कितना दिया हुआ टोटल, कितने नंबर हो रहे हैं 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, तो पक्का इनका टोटल 100 ही आएगा। और लास्ट वाले देखो कितने नंबर दिए 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, इन सबका टोटल कितना आ जाएगा 144 ही आ जाएगा। बोलिए बेटा क्लियर हो गया आपको ये भी मैंने क्या बोला, पक्का। चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको क्या दिया हुआ है, 49 एज द सम ऑफ 7 ऑड नंबर, उसको आपको क्या करना है, 49 को 7 ऑड नंबर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो बहुत ही सिंपल है बेटा, कर दो ना 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13, वो गए 7 नंबर, और इन सबका टोटल करने पे लास्ट में 49 आ जाएगा। ओके, इसी तरह सेकंड नंबर में क्या दिया हुआ आपको 121 करना है, और कितने नंबर लेने हैं 11, तो ले लीजिए आप 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15 + 17 + 19 + 21, टोटल करोगे आपका आंसर कितना आ जाएगा 121, इसका भी आंसर आपका मिल जाएगा। क्लियर हो गया बेटा आपको मैंने क्या बोला है, पक्का। और लास्ट में जो क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है उसका एक्सप्लेनेशन मैं अभी आपको ना देके मैं एक्सरसाइज 6.2 के अंदर दूंगा, क्योंकि वो पूरी की पूरी मेथड हमारी एक्सरसाइज 6.2 में आने वाली है। क्लियर हो गया, तो बेटा आई होप दैट आप सभी को 6.1 के सभी सम क्लियर हो चुके होंगे। नेक्स्ट सम हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखने वाले हैं। सो टिल देन बाय एंड टेक केयर।